हम सभी जानते हैं ड्राई फ्रूट्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए आज के सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं अंजीर के बारे में, फिग्स के बारे में। ड्राइड फिग्स हैं जिसे इंग्लिश में फिग्स और हिंदी में अंजीर बोला जाता है। बेसिकली ड्राई फ्रूट जो होता है वो फ्रूट्स को ड्राई करने के बाद में उनको ड्राई फ्रूट्स बनाया जाता है। तो आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं, काफ़ी डेंस होते हैं, तो कम क्वांटिटी में ही आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स की ही बात करें तो अंजीर में आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस मिल जाता है, जो कि आपकी बोन्स, मसल को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ अंजीर जो होता है वो आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, जिससे कि आपकी बॉडी में ब्लड की कमी नहीं होती, एनीमिया का प्रॉब्लम जो है वो बहुत कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन जो है वो अप हो जाता है। तो इस तरह से अंजीर जो होता है वो बहुत ही तरीकों से आपको बेनिफिट पहुंचाता है। तो आज रेवेक्सपो के प्लेटफॉर्म पे मैं आपके साथ में शेयर करूँ अमेजोन के 3 बेस्ट सेलर्स हैं व्हेन इट कम्स टू ड्राइड अंजीर। ये है हैपिलो का, तुलसी का और नेचर प्यूरीफायर का। ये 3 जो है वो अमेजोन के सबसे टॉप मोस्ट बेस्ट सेलर्स हैं अंजीर के बारे में। तो मैंने इन तीनों को ही ट्राई किया, मैंने इनको खाया अच्छे से, यू नो, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी टेस्ट कराया कि उन सबका क्या ओपिनियन है। उसके बिहाफ पे मैं के साथ में ये जो मेरा रिव्यू है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इनको टेस्ट वगैरह को ट्राई करने के बाद में, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इसके बारे में पढ़ रही थी ड्राइड अंजीर को, अच्छी क्वालिटी आप कैसे चूज कर सकते हैं, तब मुझे 2-3 चीज़ें इतनी अमेजिंग मिली जो कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आउट बताती रहूंगी। चलिए हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं रेव एक्सपो पर। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप हमारे वेबसाइट पर जाके अपने पर्सनल खुद के अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, वो आप हमारी वेबसाइट revexpo.com पर जाकर शेयर कर सकते हैं। वहां से आपको अप टू 30% कैश रिवॉर्ड जीतने का मौका मिलेगा और आपको कुछ ना कुछ कैश रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा। तो आगे से जो भी प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं उसका रिव्यू आप हमारे वेबसाइट revexpo.com पर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए हम अपने वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैपिलो के अफगानी अंजीर से। ये प्रीमियम ड्राइड अफगानी अंजीर है, ओरिजिन इसमें अफगान लिखा हुआ है, और जो इन्होंने बताया है बेसिकली अंजीर की इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं कि एनर्जी देता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसमें फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है, इन जनरल सभी ड्राई फ्रूट्स में फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है, ग्लूटेन फ्री है, 0 ट्रांसफैट एंड 0 कोलेस्ट्रॉल है। तो ये अंजीर की बात रही। तो जो हैपिलो का अंजीर है इसका जो MRP है वो 395 rupees है फॉर 200 ग्राम, 200 ग्राम का ये पैकेट है, और Amazon पे आपको ये 296 rupees का मिल जाता है, तो ह्यूज डिस्काउंट है इस प्रोडक्ट पे। चलिए इसके बारे में अब मेरे एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इसमें ज़िपलॉक बैग है, तो आपको अलग से किसी कंटेनर में रखने की इसको ज़रूरत नहीं है, ज़िपलॉक बैग से आप इसको अच्छे से जो है वो स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसके प्रोडक्ट की सिर्फ बात करते हैं अगर हम फिक्स की, सबसे पहले किसी भी अंजीर को हमें ये देखना होता है कि उसकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा उस पर ब्रूज नहीं हो, मतलब पिचकी नहीं हो कहीं से, अनब्रोकन हो, मतलब कहीं से टूटी फूटी ना हो उसकी स्किन, तो उस चीज़ में इसमें एज सच मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखा। दूसरा जो चीज़ होती है कि जो अंजीर है ना वो सॉफ्ट होना चाहिए, बट बहुत ही ज़्यादा मुशी नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा गिलगिला सा नहीं होना चाहिए, बट सॉफ्ट होना चाहिए, जो कि वहाँ पे मुझे लगा हैपिलो का ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल फेल हुआ 100%, बिकॉज ये मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइट लगा और ये ना च्यू करने में भी बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब हार्ड लगा ये बेसिकली, तो इस चीज़ में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। प्लस जो थर्ड चीज़ होती है किसी भी फिग की क्वालिटी के बारे में, दैट इज़ स्वीटनेस, मीठा होना चाहिए, और ये मुझे बिल्कुल भी मीठा नहीं लगा। इवन एट दी एंड जब आप इसको च्यू करते हैं, बिल्कुल एंड वाला पार्ट जब रहता है, तो हल्का सा कड़वा टेस्ट मुझे महसूस हुआ। फोर्थ जो पॉइंट होता है कि फिग में एक माइल्ड सी फ्रेग्रेंस आनी ज़रूरी होती है, हल्की होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग भी नहीं होनी चाहिए, बहुत लाइट होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि इसमें फ्रेग्रेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा माइल्ड है, तो उस चीज़ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। बस जो मुझे प्रॉब्लम था कि एक तो इसका स्वीटनेस, दूसरा इसका जो टेक्स्चर है सॉफ्टनेस और हार्डनेस, वो वाला प्रॉब्लम मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा, तो इसीलिए मुझे हैपिलो का ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये तुलसी का ड्राई फिग अंजीर जायका, और इसका जो MRP है 300 ग्राम का ये पैकेट है, MRP इसका 495 है, बट Amazon पे आपको ये 345 rupees का मिल जाता है, तो अगेन इस पे भी ह्यूज डिस्काउंट है।
चलिए सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। पैकेजिंग मुझे सबसे ज्यादा खराब लगी, मैंने इतना खराब पैकेजिंग का प्रोडक्ट आज तक नहीं देखा। तो इसकी पैकेजिंग जो है वो मुझे बहुत बहुत ज्यादा बेकार लगी। जैसे ही आप इसकी पॉलिथिन रिमूव करते हैं देन यू विल हैव बिल्कुल ओपन फिग। आप इसको कभी भी एक दिन के लिए भी इस पैकेट में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, पहली चीज जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गंदी लगी। ठीक है, प्लस अब इसकी क्वालिटी के बारे में आ जाते हैं कि इसका क्वालिटी मुझे कैसा लगा। इसका फिग बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट था, जो जो मेरे एस्पेक्ट्स थे। फर्स्ट, इसकी स्किन जो है वो अनब्रोकन होनी चाहिए, अनब्रूज्ड होनी चाहिए। प्लस इसका जो स्वीटनेस था अंजीर का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अंजीर को खाने के बाद में आपको एक स्वीटनेस सी महसूस होती है, बहुत ही माइल्ड होती है, बट आपको स्वीटनेस जो है वो थ्रू आउट जब भी आप इसको च्यू कर रहे हैं आपको महसूस होती रहेगी, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी। थर्ड चीज़ ये थी कि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक्यूरेट था, कि सॉफ्ट है बट बहुत ज़्यादा गिलगिला या मूशी सा नहीं है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जो कि हैप्पीलो के प्रोडक्ट से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी। तो इसका प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन इसकी मुझे पैकेजिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अगर आप अपने इस फिग को कहीं स्टोर कर सकते हैं और पैकेजिंग आपके लिए इतनी ज़्यादा मैटर नहीं कर सकती, तो मुझे इस प्रोडक्ट से कोई भी शिकायत नहीं है। यस, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू बाकी के प्रोडक्ट्स, लेकिन अमेजोन पर आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको यू नो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अमेजोन के, तो आप वहाँ से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो एक चीज़ और, बहुत सारे लोग बोलते हैं बड़ा फिग होता है या बड़ा अंजीर होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी मैटर नहीं करता अगर फिग का साइज़ छोटा है या बड़ा है, इससे आप उसकी क्वालिटी को बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते हैं। तो फिग के साइज़ पे कभी भी आप अपने ये मेजरमेंट्स मत रखिएगा। जो चीज़ मैंने आपको बताई, अनब्रोकन होनी चाहिए, अनब्रूज्ड होनी चाहिए, स्वीटनेस उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, माइल्ड फ्रेग्रेंस आनी चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, मुशी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके के दाग धब्बे, डार्क स्पॉट्स, वाइट स्पॉट्स वगैरह नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का डिसकलरेशन नहीं होना चाहिए। फिग के साइज़ पे ध्यान देने की कभी भी ज़रूरत नहीं है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसका प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, पैकेजिंग मुझे पसंद नहीं आई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेचर प्यूरिफाई का अंजीर। इसका जो MRP है वो है 299 फॉर 200 ग्राम। अमेजोन पर आपको मिल जाता है ये 249 रुपीज़ का। तो इस पर भी डिस्काउंट आपको ठीक मिल जाता है। इसकी पैकेजिंग की बात करें तो इसमें आपको जिप लॉक बैग मिल जाता है। नाउ जो मेरे क्राइटेरियाज़ हैं एक फिग को जज करने के, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी स्किन की बात कर लेते हैं। आपको इसकी स्किन पे मुझे डिसकलरेशन भी महसूस हुआ, किधर से तो डार्क थी किधर से लाइट थी, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। प्लस इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, मतलब आप इसको बिना भिगो के तो खा ही नहीं सकते। मतलब हैप्पीलो का जितना मुझे टाइट लग रहा था उससे भी ज़्यादा टाइट है ये वाला। इसमें बिल्कुल भी स्वीटनेस नहीं है, फ्रेग्रेंस भी इसकी बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट नहीं लगी। तो मुझे ओवरऑल प्रोडक्ट ये वाला जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो चलिए मेरी रैंकिंग की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रोडक्ट पसंद आया है, पैकेजिंग को अगर हम साइड रख दें, तो सिर्फ प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो मुझे तुलसी का जो फिग है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सेकंड विल बी हैप्पी लोका एंड थर्ड विल बी नेचर का प्यूरिफाई। तो मैं बस आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपको अगर फिग ट्राई करना है तो आप तुलसी का ही जो अंजीर है वो ट्राई कीजिएगा। ये बहुत रिफ्रेशिंग सा, फ्रेश सा लगता है और किसी भी तरीके का यू नो टाइट और ऐसा कुछ नहीं लगता, तो इसका स्वीटनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे ओवरऑल ही तुलसी का जो फिग है, अंजीर है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैंने अभी आपको रेवेक्सपो का कैश रिवॉर्ड वाला बताया कि अगर भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, उसका अनबॉक्सिंग रिव्यूज़, पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज़ जो है वो आप हमारे वेबसाइट पे जाके अपलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको 30% कैश रिवॉर्ड जीतने का मौका मिलेगा। प्लस आप किसी भी तरीके के रिव्यूज़ अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आपको इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो ये व्हाट्सएप नंबर मैं दे रही हूँ, आप इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी कोई भी अपनी इंक्वायरी जो है वो यू नो पूछ सकते हैं और अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू एक अच्छा फिग ढूंढने में हेल्प मिली हो तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इस तरीके के वीडियोज़ बनाने का। चलिए अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।